दोस्तों, मेरा नाम सागर भंडारी है। मैं उत्तराखंड के पौड़ी जिले का रहने वाला हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ भोले बाबा के चमत्कार की एक ऐसी घटना जो मेरे साथ घटी थी। उत्तराखंड में स्थित है बिनसर महादेव, जिसकी कृपा पूरे उत्तराखंड के लोगों पर बनी रहती है। बिनसर महादेव आने वाले कोई भी श्रद्धालु कभी भी इस मंदिर में खाली हाथ नहीं लौटते। मैं बिनसर महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ और हमेशा बाबा के दर्शन करने मंदिर में आता रहता हूँ। मैं पहली बार बिनसर महादेव के मंदिर तब गया था जब मेरी कोई औलाद नहीं थी। मैं और मेरी पत्नी की शादी को 8 साल से ज़्यादा हो चुके थे, हमारी कोई औलाद नहीं हो रही थी। फिर एक दिन हमारे गांव के चाचा ने मुझे बिनसर महादेव के बारे में बताया और कहा कि बिनसर महादेव के मंदिर जाओ, महादेव की कृपा बरसेगी और वह तुम्हारी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। मैं और मेरी पत्नी तब इस मंदिर में आए थे और ठीक 15 महीने बाद महादेव की कृपा से हमारा एक लड़का हुआ। तब से अभी तक प्रभु की कृपा से सब ठीक चल रहा है। मैं अकेले काफ़ी बार बिनसर मंदिर में आ चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं अकेले नहीं बल्कि अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जाना चाहता था। ये बात सन 2016 की है जब मैं अपनी पत्नी और बच्चे के सामने बिनसर महादेव के दर्शन करने की इच्छा रखी और मेरी पत्नी मान गई। मैंने एक टैक्सी बुक करवा दी ताकि हम सभी आसानी से मंदिर पहुँच सकें। हमारे गाँव से बिनसर महादेव का मंदिर तकरीबन 9 से 10 घंटे की दूरी पर है। सुबह करीबन 5 बजे हम सभी लोग घर से निकल चुके थे। रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग के रास्ते हम बागेश्वर से आगे निकल चुके थे। अभी हम झुलाना गांव से होते हुए बागेश्वर अल्मोड़ा रोड में एक झरने के किनारे रुक गए। ड्राइवर ने गाड़ी को रोक के किनारे में खड़ा कर दिया। हम सभी लोग झरने के पास पानी और मुँह हाथ धोने लगे। तभी सभी ने वहीं पर काफ़ी देर तक आराम किया। सुबह के 11 बज चुके थे और आगे की काफ़ी यात्रा बाकी थी। गाड़ी में बैठने के बाद जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की तभी हमने देखा कि कुछ लोग हमारी गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं। हमने समझा शायद उन्हें भी मंदिर जाना होगा और वो पैदल चल रहे हों, शायद गाड़ी में बैठना चाहते हैं इसीलिए हमारी गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और जो हुआ उसे देख कर मैं सच बताऊँ मेरी आँखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों, जिस जगह पर हमने गाड़ी खड़ी की थी वो एकदम से नीचे धस गई और जो लोग हमारी गाड़ी के पीछे भाग रहे थे वो हमें यही बताने आ रहे थे। वहाँ पर वन विभाग का चेतावनी बोर्ड भी लगा हुआ था जिसे हमने देखा ही नहीं और ना ही पढ़ पाए। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब हमारी उन लोगों से बात हुई तो पता लगा कि हम जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते की मरम्मत अभी भी चल रही है। हर साल पानी के झरने की वजह से पहाड़ का काफ़ी हिस्सा नीचे धस जाता है। धसने की वजह से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। शायद हम लोग भी नहीं बचते अगर सही वक्त में हमें ये समझ नहीं आती। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन उन लोगों ने हमारी गाड़ी के नीचे किसी बड़े से हाथ को देखा था। अब वो पता नहीं किसका हाथ था। पहले तो हमने इस बात पर यकीन ही नहीं किया लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने बताया हमें उन पर पूरा विश्वास हो गया। जिसने हमारी गाड़ी को पकड़ कर रखा हुआ था वो हाथ किसका था ये पता नहीं। हम काफ़ी डर भी गए थे और हम समझ गए थे कि ये भगवान बिनसर महादेव की ही कृपा है। भगवान बिनसर महादेव की कृपा से मेरा पूरा परिवार अब सही सलामत है। हम सभी ने बिनसर महादेव के मंदिर पहुंचकर भगवान बिनसर महादेव को बहुत बहुत धन्यवाद किया था। तो दोस्तों, आशा है कि कभी आप भी बिनसर के मंदिर जाएंगे तो आप भी उनके दर्शन अवश्य कीजिएगा। हर हर महादेव।